नमस्कार दोस्तों, सरकारी भर्ती में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे द एडवोकेट ऑफ जनरल उत्तर प्रदेश में जो वैकेंसीज आई थी मल्टीपल पोस्ट के लिए। ये वेबसाइट है, उसका प्रॉपर वर्क कर रहा है और आज हम डिस्कस करेंगे इसमें कि एग्ज़ाम इसका कब तक हो सकता है। ठीक है, तो देखिए यार, कल की ये जानकारी है और अभी कोई ऑफिशियल नहीं है। जहाँ तक सभी लोग अगर आप वहाँ पे फ़ोन करते हैं उनके ऑफिस में, या फिर अगर वहाँ पे जाके कुछ पूछताछ होता है वकीलों से कि कब तक एग्ज़ाम हो सकता है सारी चीज़ों को लेके, ठीक है, तो ये खबर निकल के आ रही है, ठीक है, कि एग्ज़ाम जो है अगले महीने नेक्स्ट मंथ के लास्ट तक होगा। 25, 26, 27 के लगभग एग्ज़ाम डेट का ये जो है एडमिट कार्ड जो है डिक्लेयर हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। और जो लोग कह रहे थे एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है, जो चीज़ें बहुत सारे जो हैं इसमें बातें चल रही हैं सारी चीज़ों को लेके, तो देखिए भैया, एग्ज़ाम बिल्कुल भी कैंसिल नहीं हुआ है, ना वैकेंसी कैंसिल है, बिल्कुल वैकेंसी रियल है और एग्ज़ाम की डेट जो है अब बहुत जल्दी आने वाली है। ठीक है, कहने का मतलब वही है कि देखिए नेक्स्ट मंथ के लास्ट जो है 25-26 के तारीख तक आप लोगों का डिक्लेयर जो है हो जाएगा। ठीक है, और आप लोगों को मैं बता दूं कि आप लोग जो है पहले से तैयारी करके रखो, जो ऑलरेडी मैंने बता ही दिया है कि देखो यार, काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन था हिंदी होगी या इंग्लिश टाइपिंग होगी, तो दोनों में से किसी जो है कि कोई एक आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है, जिसमें आपकी स्पीड जो है 25 होनी चाहिए। तो बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं, बहुत अच्छी वैकेंसी है ये, और इतनी सारी चीज़ें आप देख रहे हो इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो चीज़ें हुई है, जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है, लेकिन उन सब को देख के इतना ज़्यादा कंप्लेन हुआ है, रीट हुआ है, ये सारी चीज़ों को लेके आप देख सकते हो। लेकिन अब ये सारी चीज़ें एक बिल्कुल जो है सुधारी जा रही हैं सारी चीज़ों को लेके, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जितने भी पार्ट हैं, जितने भी अलग अलग वो चीज़ें हैं, ठीक है, डिपार्टमेंट है, चाहे मैं ऑफिस ऑफ द एडवोकेट जनरल यूपी की मैं बात करूँ, तो अब जो है मेरे हिसाब से, ठीक है, सभी लोग आपस में सुधार कर रहे हैं हर एक चीज़ को लेके, और जो धांधली वाली चीज़ें हैं ये देखिए तो बहुत कम होने वाली है, नहीं होगी नामात्र के बराबर, ये सोच लो अगर आप अच्छे से एग्ज़ाम देते हो, क्योंकि प्रशासन बहुत टाइट हो गया है, हर एक चीज़ में बहुत ज़्यादा कंप्लेन हुई है, बहुत ज़्यादा कोर्ट में केसेस हुए हैं हर एक चीज़ को लेके, तो थोड़ा बहुत तो सुधार हुआ है, ये चीज़ें तो मानना पड़ेगा आप लोगों को। और एक और मैं आपको बता दूं कि ये बिल्कुल एग्ज़ाम दीजिए, बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए आप लोगों का, अगर अच्छे से पढ़ोगे तो सिलेक्शन भी हो जाएगा, ठीक है। तो जितने भी सिलेबस हैं आप अच्छे से अपना रिवीजन करना, कभी छोड़ो मत, रिवीजन मत छोड़ो, ठीक है, अपना प्रॉपर पढ़ाई करते रहो, रिवीजन करते रहो, ठीक है। ये एग्ज़ाम नेक्स्ट मंथ में होगा ही होगा, ठीक है, एडमिट कार्ड आप लोगों को मिल जाएगा इसी साइट्स पे, ठीक है, इसी साइट पे आप आओगे तो देखोगे, तो वैसे भी जो है मेरे चैनल से जुड़े रहिए आप लोग, जब एडमिट कार्ड आ जाएगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। तो आप अब लगातार जो है तैयारी करते रहें, ठीक है। तैयारी का मतलब ये हुआ, देखिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे थोड़ी लंबी वीडियो इसलिए खींच रहा हूँ कि देखिए यार, दो मिनट में सारी चीज़ें समझाई नहीं जा सकती अच्छे से, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि देखो, अगर आप इसकी तैयारी करो, जैसे आप GS GK और या फिर मैं बात करूँ मैथ रीजनिंग, इन सब चीज़ों के लिए अगर आप एक तैयारी करते हो ना, सभी एग्ज़ाम के लिए काम आएगी, चाहे इलाहाबाद RO ARO हो, चाहे ये ऑफिस ऑफ द एडवोकेट जनरल हो, चाहे किसी अन्य लेवल के लिए, ठीक है। तो अपना कोशिश, अपनी जो है तैयारी जो है छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, और ये एग्ज़ाम अगर मैं बात करूँ जो है इस एग्ज़ाम की, तो बहुत जल्दी होने वाला है दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग लगे रहिए, अच्छे से जमकर लगे रहिए, पढ़ाई करते रहिए, और जब एग्ज़ाम जो है एग्ज़ाम का डेट जो है डिक्लेयर हो जाता है या फिर एडमिट कार्ड आ जाता है, मैं तुरंत आप लोगों को इन्फॉर्म करूंगा। और मेरा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग, अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड जितनी भी वैकेंसी आती है उनके प्लान, स्ट्रेटेजी और PDF आप लोगों को बिल्कुल फ्री में जो है प्रोवाइड किए जाते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक है। और साथ में जो है मैंने वन लाइनर के लिए आप लोगों के लिए एक मेरे प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख लीजिएगा कि सभी, चाहे मैं बात करूं हिस्ट्री की, चाहे जियोग्राफी, भूगोल, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, या फिर इकोनॉमिक्स की मैं बात करूं, ठीक है, पॉलिटी की मैं बात करूं, इन सब की वन डे एग्ज़ाम के लिए आपको रिवीजन पर्पस से ये वीडियो बनाया गया है, 1 घंटे की है, उसको ज़रूर देखिएगा आप लोग, ठीक है। ये जो वीडियोस मैंने बनाई है पिछले 15 सालों में, जितनी बार जो है हर एक एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा गया है, वो रिपीटेड क्वेश्चन वहाँ पे मैंने अपडेट किए हैं, तो उसको जाके फटाफट आप लोग देख लीजिएगा अगर आपके पास टाइम अगर है, या फिर आप रिवीजन करना चाहते हो तो वीडियोस आप देख सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों, इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच।